हेलो बोल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बोल्स में। आज 23 जनवरी को रूट मोबाइल ने अपने Q3 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए। चलते हैं कंसोलिडेट रिजल्ट की तरफ और देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स। तो जैसे कि आप यह देख रहे हैं, हम आ चुके हैं कंसोलिडेट रिजल्ट में। रुपीज इन करोड़ में डाटा को शो किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वार्टर की इनकम के बारे में। तो टोटल इनकम इस क्वार्टर की 990 करोड़ की निकल के आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 850 करोड़ की थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर हम इस पर ईयरली की बात करें तो 560 करोड़ की इनकम थी पिछले साल, जो कि अब बढ़कर 990 करोड़ हो चुकी है। यानी ईयरली में अच्छा खासा ग्रोथ है, डबल डिजिट डबल ग्रोथ कह सकते हैं हम इसको। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर का 890 करोड़ रुपये हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 765 करोड़ था और यही पिछले ईयर में 512 करोड़ था। यानी एक्सपेंस भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया कंपनी का। अब हम मेन चीज़ पर आ जाते हैं, प्रॉफिट कितना किया कंपनी ने। तो प्रॉफिट के मामले में इस कंपनी ने इस क्वार्टर का प्रॉफिट जो निकल के आया है वो है 85 करोड़ का। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 72 करोड़ का था। यानी अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ईयरली बात करें तो 46 करोड़ का प्रॉफिट किया था पिछले साल में, जो कि अब बढ़कर 85 करोड़ का हो चुका है। यानी डबल प्रॉफिट कर चुकी है कंपनी, वो भी एक ही साल में। बहुत शानदार रिजल्ट दिखाई दिया इस क्वार्टर के कंपनी के। यहीं अगर EPS पे एक नज़र डालें तो 13.22 का EPS है इस क्वार्टर का, जो कि पिछले क्वार्टर में 11.76 का था और पिछले ईयर में 7.38 का था। यानी 7 से अब 14 या 13 के EPS पे आ चुकी है। बहुत शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है कंपनी की। स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत अच्छी रिटर्न्स देगी, मल्टी बैगर बनेगी आने वाले टाइम के लिए। इसको में हम इन्वेस्टमेंट बनाए रख सकते हैं। और मिलेंगे हम अपनी अगली रिजल्ट की वीडियो में। चलिए बाय।